मिनट में करता हूँ। हेडिंग डालो, मेटलर्जी। ओके, तो सबसे पहले मेटलर्जी में हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स ये तीन टाइप के होते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है तो लिखो मेटल्स। सेकेंड जो टाइप है दैट इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। ओके, पहले ये लिख लेना बस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हेडिंग डालना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे तो पहले लिखना मेटल्स अभी कौन कौन है, पहले हम लोग उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो मेटल्स का सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो, लिखना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स। अब हम लोग सीखेंगे इसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है? शाइन। मेटल्स के पास क्या रहता है? शाइनी सरफेस। देखो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। हो गया सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? साउंड। मेटल्स ऑन स्ट्राइकिंग प्रोड्यूस साउंड। ये हो गया सेकेंड। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या हो गया सोनरस के बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। फोर्थ जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, थिन। फिफ्थ जो है, अब यहां से जो भी अभी इधर से जो भी प्रॉपर्टीज है ना, इन सब में क्या आएंगे? एक्सेप्शन आएंगे। ये प्रॉपर्टीज जरा आपको दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। अब मेटल्स जो रहते हैं ये सॉलिड रहता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कोई तो एक डिफरेंट बिहेवियर बताता है। तो डिफरेंट बिहेवियर मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये क्या रहता है? लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे। सिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आता है डेंसिटी। मेटल्स के पास जनरली हाई डेंसिटी रहता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इसमें एक्सेप्शन है।
लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इनका डेंसिटी वाटर से भी लेस है, हैव डेंसिटी लेसर देन वाटर। तो अगर ये मेटल्स को अगर पानी में आप डालोगे तो ये मेटल्स क्या होता है, फ्लोट होता है। सेवेंथ होता है हार्डनेस। अब मेटल्स जनरली बहुत हार्ड रहते हैं, तो आप लिख सकते हो मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन है मैं लिखना सोडियम, फिर इसके बाद आता है पोटेशियम। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट है कि आप इसको नाइफ से काट सकते हो, इसमें लिखना कैन बी कट विथ नाइफ। फिर एट होता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लिखना मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन कौन है, दैट इज लेड, ये भी बोलते हैं इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों का ये हो गया एट। नाइन्थ जो है ऑलमोस्ट सब कवर अप कर लिया है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें एक्सेप्शन है, मेटल्स आर मेटल्स हैव, लिखो मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आप लिखना टंगस्टन सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन, मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं एक्सेप्शन, इसमें लिखना मर्क्यूरी गैलियम, ये दो एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद और कौन था, जिंक हैव, नहीं एक सेकेंड ये मत लिखो, सोडियम लिखो, सोडियम पोटेशियम लिथियम हैव लो मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का, तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग मेटल्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो आयन्स रहते हैं इसको हम बोलते हैं कैट आयन्स, इतना बस लिख के रखना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब इसमें
सबसे पहले हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन के साथ एयर में। अब यहां पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड यहां पे फॉर्म होएगा सोडियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग सब मैं सिखा था, और टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वाटर के साथ रिएक्शन, H2O वाटर। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले चीज, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम इज एन अल्कली मेटल, तो ये क्या होएगा? पानी में डिजोल्व होएगा एंड यहां पे फॉर्म होएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। साथ ही साथ H2 गैस रिलीज होएगा एंड इसके साथ हीट रिलीज होएगा। वैसे ही पोटेशियम, ये भी एक अल्कली मेटल है, वाटर में क्या होएगा? डिजोल्व होएगा एंड यहां पे फॉर्म होएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट रिलीज होएगा एंड H2 गैस साइमल्टेनियसली बाहर आएगा। अब और कोई रिएक्शन इसमें नहीं है, मेन चीज आपको पता रहना चाहिए यहां पे कि ये जो H2O है, ये क्या है? कोल्ड, ठंडा पानी है। ये ठंडा पानी, ये सब बाद में समझाता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, सोडियम का वैलेंसी कितना रहता है? 1। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा के दिया, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था तभी, तो नोट देख लेना। ऑक्सीजन जो है, इसका वैलेंसी क्या रहता है? 2। तो ये कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका नाम आएगा Na2, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये आएगा ऑक्सीजन, तो ये रहेगा सोडियम ऑक्साइड। ध्यान देना, अगर आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2NaOH। अभी के लिए बैलेंसिंग नहीं करते, बैलेंसिंग छोड़ दो। और ये क्या है? एक अल्कली। तो ये दो रिएक्शन है हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। अब इसके बाद का पार्ट, दैट इज द सेकेंड पार्ट, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स, ध्यान देना। अब मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट O2 एयर के साथ रिएक्शन। यहां पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इधर फॉर्म होएगा MgO। लेकिन ये रिएक्शन लगने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको जलाना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन किसके साथ है? वाटर के साथ। अब मैग्नीशियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये जब वाटर के साथ मिक्स होएगा तो ये यहां पे फॉर्म करेगा सबसे पहले MgOH2। एक और एक रिएक्शन है, और ये भी एक अल्कली है। एक और एक रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम प्लस H2O, इसको आप क्या बोलोगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलोगे। ये भी एक अल्कली मेटल है। अब इनके साथ ही साथ साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब क्या होता है मालूम है क्या? ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होएगा? सपोज आप ये रिएक्शन कर रहे हो पानी में, सपोज ये आपका पानी है, कैल्शियम का जो मेटल है इसके ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन का बबल स्टिक होता है। हाइड्रोजन का बबल स्टिक होने के वजह से क्या होएगा? ये कैल्शियम जो मेटल है, ये क्या होएगा? पानी के ऊपर क्या होएगा? फ्लोट होएगा। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो कैल्शियम
floats over water, किसके वजह से? H2 bubbles के वजह से, ये इसका reason है। चलो ये complete up होता है हमारा second part। इसमें और एक एक reaction है, तो मैं नीचे लिखता हूं। ओके अब इसके बाद का पार्ट दैट इज HCl के साथ रिएक्शन। एक और एक चीज है कि ये जो वाटर है ये क्या है, हॉट वाटर, मतलब वार्म वाटर, टेम्परेचर ये पानी का ज्यादा है। नेक्स्ट है HCl के साथ रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा MgCl2 एंड यहां पे फॉर्म होएगा H2 गैस। ठीक है, ये हो गया मीडियम रिएक्टिव। अब हम लोग करेंगे हाई रिएक्ट, सॉरी लो रिएक्टिव, मेरा गलती हुआ, लो रिएक्टिव एलिमेंट, ये जरा समझ लेना। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एल्यूमिनियम इधर, सॉरी ये वाटर रहेगा H2O के साथ रिएक्शन। अब ध्यान देना, एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे फॉर्म होएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस यहां पे क्या रिलीज होएगा, हाइड्रोजन गैस। आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हो, पहले के जो मेटल्स थे मीडियम और हाई रिएक्टिविटी ये अल्कलीज फॉर्म करते थे, लेकिन एल्यूमिनियम ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, इसीलिए जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे आयन ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा Fe3O4, इसको आप हेमाटाइट भी बोलते हो, एंड H2 गैस रिलीज होएगा। वैसे जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे फॉर्म होने वाला है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगा। अब यहां पे ये जो वाटर यूज किया जा रहा है ये क्या है, किसके फॉर्म में है, स्टीम। तो पहले के दोनों H2O लिक्विड स्टेट में है, यहां का H2O कौन से स्टेट में है, गैशियस स्टेट में है, गैस के फॉर्म में। अब इसके बाद का सेकेंड रिएक्शन HCl के साथ है, तो HCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बहुत ही सिंपल है, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे फॉर्म होएगा AlCl3 एंड यहां पे रिलीज होएगा H2 गैस। वैसे यहां पे आयन जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वैसे ही जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। सबसे लास्ट जो रिएक्शन है, मैं इसको जस्ट इधर, मतलब आप समझ लेना कि किधर लिखना है करके, या एक्चुअली इसके नीचे लिखना है, HCl के नीचे, HNO3 के साथ रिएक्शन। इसका सिर्फ एक ही मेटल है, ये टाइप का जो एसिड है इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या होता है, सबसे पहले चीज कॉपर, ध्यान देना, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है एंड कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे फॉर्म होएगा कॉपर नाइट्रेट। यहां पे भी सेम कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इधर फॉर्म होएगा क्या, NO2 गैस फॉर्म होएगा एंड यहां पे फॉर्म होएगा NO गैस।
ये रहेगा इधर लास्ट में ऑफकोर्स वाटर। अरे किसमें लिखना है वो नीचे वाला?